अज़ीज़ सामीन हज़रात, शबनम म्यूजिक पेश करने जा रहे हैं तस्नीम आरिफ की आवाज में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया। ये वाकया है शहर बल्ख का एक बादशाह जिसकी एक बेटी बहुत हसीन और जमील थी, और शहर बल्ख वैसे भी बहुत खूबसूरत था। सयाहों का एक काफिला वहाँ आता है और उन काफिले वालों के साथ एक फ़कीर भी होता है। काफिला कुछ दिन क़याम करने के बाद वहाँ से चला गया, लेकिन वो फ़कीर वहीं पर रह जाते हैं। और फिर किस तरह एक शहज़ादी और एक फ़कीर की ये स्टोरी, ये कहानी आगे बढ़ती है। ये फ़कीर कौन है इसके बारे में तो आप पूरा वाकया सुनकर ही अंदाज़ा लगाएंगे। इन फ़कीर का नाम क्या है और इन्होंने किस तरह से अपनी मोहब्बत को हासिल किया, ये कलाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। कारी अनवार आलम साहब ने लिखा है, आवाज़ तस्नीम आरिफ की है, म्यूज़िक के फ़राइज़ किशोर मल्होत्रा जी ने अंजाम दिए हैं, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। लीजिए सामीन, ये एक बहुत दिलचस्प वाकया मुलाहिज़ा कीजिएगा। अनवार शहर बल्ख की अभी पुकार है, अनवार शहर बल्ख की अभी पुकार है, इस दास्तां में एक अजब सा खुमार है, इस दास्तां में एक अजब सा खुमार है, अनवार शहर बल्ख की अभी पुकार है, अनवार शहर बल्ख की अभी पुकार है, इस दास्तां में एक अजब सा खुमार है, इस दास्तां में एक अजब सा खुमार है, इस दास्तां में एक अजब सा खुमार है। मंजर है बल्ख के, हालात कायनात पे अजहर है बल्ख के, सयाही दूर दूर से आते हैं काफले, गर्मी के दिनों में सुकून पाते हैं काफले, करती है फिजा जिस्म से अटखेलियां अजीब, होती हैं जिससे जहन में कुछ शोखियां अजीब, होता है शहर बल्ख के सहरा पे दिल निसार, दिलकश हसीन वादी के लाला पे दिल निसार, दिन जश्न बहारा के थे बादल बिछा गया, सयाहों का एक कारवां वादी में आ गया, आया था खुरासान से वो काफिला अजीम, साथ आया एक फकीर था किरदार का अजीम, हाँ गर्दिश अय्याम का मारा हुआ था वो, हालात जिंदगानी से हारा हुआ था वो, था पैरहन अजीब सा बिखरे हुए थे बाल, खुद अपनी मिजाजी से ही उलझे हुए थे बाल, चेहरा था खुशगवार जवानी का दौर था, सूरत से गरीबी का मचलता जहूर था, जब मौसम बहार के मंजर चले गए, जब मौसम बहार के मंजर चले गए, जब मौसम बहार के मंजर चले गए, सयाही सभी काफले घर पर चले गए, सयाही सभी काफले घर पर चले गए, सयाही सभी काफले घर पर चले गए। उस नौजवान
उठाने नहीं दिया, शामो सहर ने बल्ख की जाने नहीं दिया। ऐसा हुआ मानो सुकूनत की इख्तियार, बाशिंदे बलख से अखुवत की इख्तियार, बाजू में शाही बाग के कुटियाली एक बना, रहता था उसी में वो था मस्कन फकीर का, करता था गश्त शहर का दिन में वो बाहया, आता था वक्त शाम पलट कर उसी जगह। एक शाम दिल फकीर का बेहद उदास था, निकला टहलने बाग में कुछ भी न पास था, शहजादी शाह बल्ख की आई थी सैर को, देखा जो उसने आता हुआ इस फकीर को, दोनों तरफ से तीर नजर हो गए रवा, आहों का उस फकीर के दिल से उठा धुआं, घेरे हुए थे इश्क के बादल फकीर को, उसकी नजर ने कर दिया घायल फकीर को, शीशा सा टूट कर गिरा ना जाने क्या हुआ, बिजली सी गिरी जलवाए महशर बपा हुआ, जेबाए हुस्न ने उसे पागल बना दिया, जेबाए हुस्न ने उसे पागल बना दिया, जेबाए हुस्न ने उसे पागल बना दिया, बरके अदान खिरमन हस्ती जला दिया, बरके अदान खिरमन हस्ती दिया, बरते अदान फिर मन हस्ती जला दिया। रफ्ता रफ्ता जोश जुनू की गई सिफात, तूफान आलम रुक गया हिम्मत जवां हुई, पाया करार बेकली नजरे खिजा हुई, फिर कसरे दिल रुबा की तरफ चल पड़ा फकीर, जाकर किले के दर पे खड़ा हो गया फकीर, दरबार रोज की तरह था शाह का लगा, फरियादियों की भीड़ थी मेला सा था लगा, सुल्तान बल्ख सुनते थे हर एक की इल्तिजा, हर एक बशर का अदल से करते थे फैसला, लेकर इज़न फकीर भी अंदर चला गया, तन्हाई में फकीर से सुल्तान ने कहा, आए हो तू बताओ जो उलझन है आपकी, आए हो तू बताओ जो उलझन है आपकी, आए हो तू बताओ जो उलझन है आपकी, बोला निकाह चाहता हूँ दुख्तर से आपकी, बोला निकाह चाहता हूँ दुख्तर से आपकी, सुनकर वजीर गैज़ व गज़ब में खड़ा हुआ, सब रो
मन जुदा हुआ, बोला सजाए सख्त मिलेगी तुम्हें जनाब, अंदाजा है सियत का है अपनी तुम्हें जनाब, गुस्ताखी तुमने की हरम शाही की शान में, पाओगे सजाएं बड़ी रखो ध्यान में, सुल्तान बोले ठहरिए ये बेकसूर है, इस्लाम ने जो हक दिया उसका सुरूर है, कह दो के एक हफ्ते में दे देंगे हम जवाब, बोला वजीर जाइए पालोगे तुम जवाब, ये मसलहत से बात बताई वजीर को, करके बहाना टालना तुम उस फकीर को, उम्मीद की किरण लिए पेशानी में फकीर, कुटिया में आया गर्क था ताबानी में फकीर, आती थी महक अबू से इश्क फिरोज की, मुद्दत तवील लगने लगी सात रोज की, गुजरा जो वक्त आ गया दरबार शाह में, खुशियों के दीप जलते थे उसकी निगाह में, देखा जो सुवजीर ने उल्फत से बात की, बिठाया शराफत से बात की, एजाज से बिठाया शराफत से बात की, एजाज से बिठाया शराफत से बात की, जानिब से लाए हैं, उनमें शुमार कर लिया है आपका प्याम, पर एक शर्त है जो करो पूरी नेक नाम, शहजादी की अंगूठी की खातिर ये कीजिए, हीरा सियाह रंग का इकला के दीजिए, होता है जो पहाड़ की चोटी पे बर्फ में, सच्चाई है सुनो मेरे हर एक हर्फ में, शहजादी पलक से निकाह चाहते हैं आप, ला कर दो हीरा गरचे फला चाहते हैं आप, बोला फकीर जान भी जाए तो गम नहीं, लाऊंगा हीरा मुझको ख्याले अलम नहीं, वो रात मना जात में काटी फकीर ने, उसकी दुआ को सुन लिया रब्बे कदीर ने, तैशा उठाया चल दिया मंजिल न थी कोई, दिल में था ऐसा हौसला मुश्किल न थी कोई, एक रोज चलते चलते पहाड़ों में खो गया, बेताब था पहाड़ की चोटी पे सो गया, वक्त सहर किसी ने जगाया खड़ा हुआ, वक्त सहर किसी ने जगाया खड़ा हुआ, वक्त सहर किसी ने जगाया खड़ा हुआ, थे एक बुजुर्ग उनसे तभी आशना हुआ, की चट्टान ने रास्ता तुम्हारा बंद किया, पर फील खान ने तैशा उठा
रास्ता जरा भी ले न सका उस चट्टान से, भरपूर वार करके वहां से निकल गया। हीरा भी उस चट्टान से फिर उसको मिल गया। दिल ने कहा कि गौहरे मकसूद है यही, मेरे सफर की बस जगह महदूद है यही। लेकर उसे वो आ गया शाही दयार में, था आज इजाफा बड़ा उसके करार में। बोला वजीर किस लिए आए हो तुम यहाँ, हीरा हमारी शर्त का लाए हो तुम यहाँ। हीरा फकीर ने वो तभी उसको दे दिया, हीरे की चमक से वो महल जगमगा उठा। वादे के मुताबिक किया अपना मुतालिबा, नाकाम ये किस्मत का कोई क्या करे भला। देकर तसल्ली फिर उसे बहला दिया गया, शर्त है समझा दिया गया। ये आखिरी एक शर्त है समझा दिया गया, ये आखिरी एक शर्त है समझा दिया तो आप बुलाइए, शहजादी के कानों के लिए आप जाइए। होते हैं समंदर में वो मतलूब हैं हमें, ताबिश में लाजवाब हो मरहूब हैं हमें। इश्क़े फलक की हिम्मतें सारी थी उसके साथ, निकला फकीर नामे खुदा लेके अपने साथ। वो चलते चलते एक समंदर पे जा रुका, जिस दर का तलबगार था उस दर पे जा रुका। पानी को फेंकना किया जारी जुनून में, कुछ दिन हुए हलचल सी थी उसके सुकून में। इन काविशों से जर्रा बराबर हटा नहीं, मौजों पे था शबाब समंदर घटा नहीं। आंखों में उदासी थी फलक पर नजर गई, ना जाने कौन सी थी अदा काम कर गई। मौजों का एक रेला था उसको हिला गया, मोती किनारे डाल के वापस चला गया। लाकर वो मोती शाह को देकर कहा हुजूर, अब आप पूरा कर दे मेरा मुद्दा हुजूर। मोती वजीर देख के हैरान हो गया, मोती वजीर देख के हैरान हो गया, मोती वजीर देख के हैरान हो गया। अब क्या जवाब दूं वो परेशान हो गया, सबको अता कहां। सोचो सही के तुम कहां और बादशाह कहां। जलते हो सोजे इश्क में समझो ये भूल है, जाओ यहां से जुस्तजू आगे फजूल है। बरके सितम ने खाक किया दिल फकीर का, उम्मीद का महल गिरा
उसके जमीर का। शाही महल में शोर अचानक बपा हुआ, शहजादी को ऐ बादशाह देखो तो क्या हुआ। देखा जो उसने हसरत दिल यूं बिखर गई, शहजादी अपने बाप की गोदी में मर गई। मातम था सारे शहर में कफना दिया गया, और शाही कब्रस्तान में दफना दिया गया। था गर्क गम में सारा शहर रात ढल गई, दिल में फकीर के शमे उम्मीद जल गई। तैशा उठाया आ गया कब्रे हबीब पर, करती थी रश्क चाहते उसके नसीब पर। बाहर निकाली कब्र से लाशे सनम, तभी ले आया अपनी कुटिया में बाचश्म नम। तभी रो रो के अपने रब से दुआ मांगने लगा, रो रो के अपने रब से दुआ मांगने लगा, रो रो के अपने रब से दुआ मांगने लगा। कर जिंदगी इसको तू अता ऐ मेरे खुदा, कर जिंदगी इसको तू अता ऐ मेरे खुदा, कर जिंदगी इसको तू अता ऐ मेरे पर्दे हिला गए। फौरन ही दो हकीम उस कुटिया में आ गए। देखी जो नफ्स हाथ से सकते का दौर था, जिंदा थी शाहजादी वो दिल में भी नूर था। जंबील से शीशी दवा की निकाल कर बोले के लो मालिश करो तलवों पे डाल कर। फिर एक दवाई नाक में उसकी समा गई, शहजादी उठ के बैठ गई छींक आ गई। अपने कफन से ढांप लिया चांद सा बदन, बोली है आप कौन क्यों ऐसा हुआ बदन। गुजरा था जो फकीर पे किस्सा सुना दिया, माजी की एक एक बात को उसने बता दिया। सुनकर ये सारी दास्तां उसको खुशी मिली, बोली तुम्हारे वास्ते ये जिंदगी मिली। अपने खुदा का फैसला मुझको कबूल है, ये बादशाही इश्क के कदमों की धूल है। शाहिद बनाई के एक ने खुतबा सुना दिया, फौरन हकीम ने निकाह उनका पढ़ा दिया। देकर दुआएं दोनों फिजाओं में खो गए, देकर दुआएं दोनों फिजाओं में खो गए, देकर दुआएं दोनों फिजाओं में खो गए। खुशियां मिली फकीर को गम दूर हो गए, खुशियां मिली फकीर को गम दूर हो गए, खुशियां मिली फकीर को गम दूर हो गए। ये राज राज ही रहा गुजरे दो साल भी, अल्लाह ने उनको दे दिया एक नौनिहाल भी। शहजादी को पसंद थी गुर्बत की जिंदगी, मसरूर थी मिली उसे उल्फत की जिंदगी। खुद से अहद किया था जो तोड़ा नहीं कभी, दामाने सब्र हाथ से छोड़ा नहीं कभी। वो
मर चुकी हर एक था ऐसे ख्याल का, लड़का भी उसका हो गया अब 4 साल का। मातम है शाही महल में उस दिन से आज तक, खैरात उसके नाम की बढ़ती है आज तक। मकतब में पढ़ रहा था वो लड़का फकीर का, सूरत में माँ की मिसल था अतहर जमीर का। तकरीब थी मकतब में सभी लोग आए थे, नाना भी उसके बादशाह तशरीफ लाए थे। देखा जो बादशाह ने उस नौनिहाल को, खिंचने लगा दिल क्या कहे सुल्तान के हाल को। पूछा ये बादशाह ने किसका पिसर है ये, बोले के एक फकीर है उनका पिसर है ये। बच्चे को प्यार करके ख्यालों में खो गया, बच्चे को प्यार करके ख्यालों में खो गया, बच्चे को प्यार करके ख्यालों में खो गया। बेटी मेरी जिंदा है यकीन उसको हो गया, मिलकर वो खूब रोई जमी पर न थे कदम। दोबारा जिंदा कैसे हुई सब बता दिया, अल्लाह ने सच्चे इश्क का जलवा दिखा दिया। पहली जो खबर आ गए फिर बादशाह वहां, हर एक बशर शहर का था छोटा बड़ा वहां। शाहाना कर से उन्हें साथ ले गए, गुरबाओं मसाकीन को खैरात दे गए। था सल्तनत की आंख का तारा फकीर, अब झुकते थे उसके पांव पे गुरबा अमीर। अब छोड़ो ये सारी बात, वो अभी फकीर था, गरता रब के इश्क में उसका जमीर था। कदमों में जिनके आज जो सरखम थे दोस्तों, ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम थे दोस्तों। अनवार रब के वलियों का रुतबा अजीम है, अनवार रब के वलियों का रुतबा अजीम है। कुर्बान उन पे रहमत रब्बे करीम है।